तो आज हम जाने वाले हैं 15 किलोमीटर दूर भोज खाने के लिए मुरली नारायणपुर। बस 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 हो गया। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत स्वागत हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल वीडियो होने वाला है, बिकॉज आज हम जाने वाले हैं खाने के लिए पाली भोज। आप लोग अगर नहीं पता कि पाली भोज क्या होता है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि गांव में किसी की डेथ होती है तो मतलब पूरे गाँव को भोज करते हैं, वो हो गया एक सिंपल भोज। और अगर ही किसी की डेथ होगी और उन लोगों ने अगर 7 गाँव 11 गाँव या 5 गाँव को खिला दिया तो उसको बोलते हैं पाली भोज। तो आज हम जाने वाले हैं वहीं पाली भोज खाने के लिए। जो मेरा घर है वो है अभवार किशनपुर में, और हमें जाना है पाली भोज खाने के लिए मुरली नारायणपुर। तो मुरली नारायणपुर यहाँ से कम 15 किलोमीटर दूर है, और मतलब ये पाली भोज मतलब कुछ लोग जाते हैं साइकिल से, बाइक से, मतलब कैसे भी जा सकते हैं। तो आज मुझे जाना पड़ेगा साइकिल से, 15 किलोमीटर चलाऊंगा साइकिल। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और आप लोग देखेंगे कि मिथिला में ब्राह्मण का भोजन कैसे होता है। हम लोग मतलब सारे ब्राह्मण हैं मुरली के, मतलब वो जो जहाँ हम जा रहे हैं खाने के लिए वो भी ब्राह्मण ही है। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस वीडियो पे, और आप लोगों को बहुत सारी इसमें नॉलेज भी मिलेगी, देखना मिलेगा कि क्या क्या होने वाला है यहाँ पे। तो वीडियो को बस एंड तक बने रहें, और चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और मैं जा रहा हूँ अपनी साइकिल निकालने के लिए, बिकॉज अभी मैं 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है, 15 किलोमीटर जाने का और 15 आने का। तो वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, तो आइए चलते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है मेरा 15 किलोमीटर का सफ़र मुरली नारायणपुर का। मेरे साथ मेरे बड़े पापा भी जा रहे हैं, वो देखिए आगे आगे। सफ़र बहुत लंबा होने वाला है ये साइकिल का। अभी आ चुके हैं सिंगन बाजार, और 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो चुका है। तो ये हमारा हो चुका है 7 किलोमीटर डिस्टेंस कवर, और इतने में ही मतलब हालत टाइट हो गई यार। मतलब बहुत ही धूप तो बहुत ज़्यादा आया, इसीलिए मतलब फिर प्रॉब्लम हो रही है, वरना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो अभी हमने एक शॉर्टकट लिया था, उस शॉर्टकट से हमने 13 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है बहुत ही आराम से, और अब बस आने वाला है मुरली। तो अभी साइकिल चल रही है फुल स्पीड में, कम से कम 16 किलोमीटर तो चला चुके हैं। तो उधर आप लोग आवाज़ आ रही होगी जनरेटर की, वो देखिए वहाँ पंडाल लगे हुए हैं, वहीं पे है हमारा आज पाली भोज, ये नहर के पास। और मेरी साइकिल का चेन खुल चुका है चौथी बार। तो अभी हम बैठ चुके हैं खाने के लिए, और हमें दे दिया है पतरी। तो अभी आप लोग दिखाऊंगा आगे आगे कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है भोज में हमारे। तो ये देखिए सबसे पहले आ रही है एक सब्जी, तो दिखाता हूँ आप लोगों को किसी की सब्जी है। ये है कदीमा की सब्जी, जिसको आप कद्दू बोल सकते हैं, ये कद्दू की सब्जी है। उसके बाद दिया है ये रतुआ, ये रतुआ मतलब एक बिहार में मिलता है शायद, दिल्ली में नहीं मिलता उस साइड। ये आ गई आलू परवल की सब्जी, और उसके बाद ये आ गया दलिया, मतलब इसमें चने की होती है दाल।
और इसके बाद दे दिया है पूरी, और अभी हम देंगे नैवेद और खाना स्टार्ट करेंगे। तो अभी हो चुका है सबका भोजन आरंभ। पानी करनो देला हम ही आवे अरे हम नहीं जा तो सब से नजर पर तो दे आले अब ये आ चुका है रसगुल्ला, जिसका सबको होता है इंतजार। पहले देते हैं कच्चा रसगुल्ला फिर पक्का रसगुल्ला, मतलब कच्चा होता है काला वाला और पक्का होता है सफ़ेद वाला। और ये आ गया है सफ़ेद वाला रसगुल्ला। कैसा लग रहा है? तो अभी कुछ इस तरह का हाल है। ऑलमोस्ट फिनिश। तो ऐसी होती है हमारी मिथिला की परंपरा, जिसको खाना नहीं है उसको भी जबरदस्ती खिलाएंगे। तो अभी मैं तो खाना खा के उठ चुका हूँ। अभी देख सकते हो आप लोग दूसरे लोग भी खा रहे हैं, ये सब भी अपने गांव के हैं, मतलब 300-400 लोग आए हैं अभुआर से यहाँ पे भोज खाने के लिए, देख सकते हो आप लोग। तो ये है पान सुपारी की भीड़। चलिए मैं भी ले लेता हूँ पान सुपारी, क्योंकि साइकिल से बहुत दूर जाना है, इसीलिए कुछ मुंह में रहेगा तो अच्छा लगेगा। तो ये पान सुपारी ले लिया है, क्योंकि वापस जाना है बहुत दूर तक। तो अभी बस जा रहे हैं घर की ओर। 13 रसगुल्ले आज तक ख़त्म, खलास। मतलब मेरी हालत ऐसी हो रही है कि अब 14 किलोमीटर दूर फिर से साइकिल से जाना मेरे बस की हो नहीं पाएगी। रास्ते के लिए पान भी खा लिया और ये पसीने से आप हालत देख सकते हो। तो उस साइड भी सब लोग जा रहे हैं अपनी घर की ओर खाना खा के। देख सकते हो आप लोग कितने लोग आए थे। चलो अब साइकिल निकाल लो। तो बहुत ही अच्छा लगा ये हम मुरली आकर और ये पाली भोज खाकर। मतलब इस बार, मतलब बाई चांस मैं यहाँ गांव में था तो यहाँ पे आ पाया। पान खा खा कुछ बोला नहीं आ रहा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। बहुत अच्छा लगा मुरली नारायणपुर आके। ये पाली भोज मुझे हमेशा याद रहेगा, बड़े अच्छे मौके पर पाया पाली भोज। देखिए शाम हो चुकी है, आसमान का रंग हो चुका है लाल। हम 2:30 बजे निकले थे और अभी कम से कम 6 बजने वाले हैं, मतलब 6 बजे हम घर पहुंच जाएंगे आराम से। तो आसमान तो लाल हो ही गया, मैं भी लाल हो गया साथ साथ। तो आज मैंने टोटल खाए 13 रसगुल्ले। ये मैंने 13 रसगुल्ले खाए, ये बात सुनकर आप शौक मत होना, क्योंकि मेरे गांव के ऐसे ऐसे लोग हैं कम से कम 40-50 रसगुल्ले तक खा जाते हैं। तो इसी के साथ अब मैं आज की इस वीडियो के एंड करता हूँ। मैं अपने जा रहा हूँ घर। अभी मुझे मतलब ना ज़्यादा बोलने की हिम्मत है, ना ज़्यादा ब्लॉगिंग करने की हिम्मत है। मतलब यार, मतलब 32 किलोमीटर या 34 किलोमीटर साइकिल चलाना आम बात नहीं है। तो बस मैं जा रहा हूँ घर, घर पे रहूँगा आराम। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करें और कमेंट करें, ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा वीडियो। ये होती है हमारी मिथिला की परंपरा कि मतलब भोज खाने के लिए अगर किसी भी ब्राह्मण को दिया जाता है नोत, तो कम से कम 14-15 किलोमीटर दूर समझता नहीं है कि वो कहाँ जाना है, बस चल पड़ते हैं। तो ओके बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।